तो हेलो गाइस, जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे सामने बाइक खड़ी है निंजा 300। ये मेरी बाइक है पर्सनली, और आज इसकी मैं सर्विस कराने जा रहा हूँ। मैं गया था कावासाकी सर्विस कराने के लिए, मतलब सर्विस कराने गया, सामान लेने गया था, पता करने के लिए क्या क्या सर्विस में होता है, क्या क्या सामान लगता है, कितना ऑयल लगता है, ये सब पूछने गया था। तो उन्होंने मेरे को बताया, उन्होंने सर्विस कॉस्ट भी बताया अपना, उनका मेरे को सर्विस कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगा, उन्होंने मेरे को 7-8 हज़ार रुपये का ख़र्चा बता दिया। बट मैं वहाँ से कुछ पार्ट लेकर के आ गया, जैसे कि दिखाता हूँ। ये फ़िल्टर, मतलब ये ऑयल फ़िल्टर है, इसमें डलता है इंजन ऑयल को फ़िल्टर करने के लिए होता है, एक ये लिया है। और एक ये इसकी गैसकेट होती है, ड्रेन जो इंजन ऑयल ड्रेन होता है जहाँ से, वहाँ के बोल्ट की गैसकेट होती है, ये डलती है हमेशा सर्विस पर। और ये ऑयल है, ये मैंने बाहर से ही लिया है, वहाँ से नहीं लिया, ये मेरे को ये अच्छा लगता है ऑयल, क्योंकि मैं सभी बाइकों में यही ऑयल डलवाता हूँ, तो इसलिए ये लिया है। और बाकी मैं अपने भाई के पास आया हूँ, जिशान के पास सर्विस कराने, द वर्कशॉप करके भाई का पेज है, ठीक है, और उन्हीं के पास सर्विस कराता हूँ मैं अपनी सारी बाइक की, और वहीं पर आया हूँ, उसकी सर्विस कराते हैं, दिखाता हूँ आपको कैसे कैसे क्या क्या होता है। हाँ जी जिशान भाई, भाई ये है जिशान भाई, और ये कर रहे हैं बाइक की सर्विस। जिशान भाई क्या कर रहे हो? ये फेयरिंग खुलेगी पहले, हैं ये वाली पहले ना, ठीक है, सबसे पहले ऑयल चेंज होगा, चलो ठीक है खोलो। हाँ भाई जिशान, इंजन ऑयल की जगह हम डालेंगे कूलेंट। अच्छा फिल्टर में भी डलता है? अच्छा जी, पहले ऑयल फिल्टर में डलेगा, फिर ऑयल फिल्टर टाइट होएगा ना। भर के डालना पड़ेगा पूरा, फिर लोने में टाइम लेता है ना। तो अच्छा अच्छा अच्छा, तो इसलिए पहले भर देते हैं उसमें ना, सप्लाई ये सही है, नहीं तो बहुत से ऐसे ही लगा देते होंगे, फिर वहाँ से ऑयल डाल देते होंगे, ऐसे ही कर देते होंगे बहुत से, जिन्हें नहीं पता होगा, ये ठीक है भाई। तो भाई इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना चाहिए बाइक पर, ऑयल फिल्टर लगाते वक्त या बाइक पर, गाड़ी में जिसमें भी लगता है ऑयल फिल्टर, उस पर ध्यान देना चाहिए। ये डल गई है भाई, इंजन आइस, आइस बोले इंजन की ठंडक है भाई, बहुत ही पावरफुल और बहुत ही अच्छा वाला ऑयल है, परफॉर्मेंस ऑयल है, जो कि सारी सुपर बाइक में यूज़ होता है, हाँ टॉप ऑफ द लाइन ऑयल है, और बेस्ट रिकमेंड ऑयल है फॉर, मतलब जो भी आपके पास अच्छी बाइक है उसके लिए सबसे बेस्ट ऑयल है। कितना डला है जिशान इसमें? 2.2, ठीक है भाई सब। हमारा ऑयल और भाई की पैंट पे गिर भी गया, ये खोलते वक्त थोड़ा सा, तो अब लगा रहे हैं भाई एयर फिल्टर। एयर फिल्टर भाई इसका रीयूज़ हो जाता है वॉश होकर के, क्योंकि फोम वाला होता है, और इसको मतलब नया डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, पेट्रोल से धो करके लगा सकते हैं, है ना जिशान? है ना, वॉशेबल है ये, वॉश करो अपना लगा दो, 4-5 बार तो वॉश करके लगा सकते हैं ना, उसके बाद फिर चेंज कर सकते हैं ना। चलो भाई अब ये एयर फिल्टर लग रहा है, ऑयल डल गया, ऑयल फिल्टर डल गया भाई, बाकी सर्विस का काम हो गया है, लास्ट एयर फिल्टर हो रहा है। ऑयल लगा रहे हैं जिशान हल्का हल्का, ताकि डस्ट ऊपर ही रह जाए ना, बाहर नहीं जाएगी ना इससे, ये सही है, अगर सूखा लगा देंगे तो उसमें फिर डस्ट जाने लग जाएगी ना। एक बार ना मैंने यार इसको धो करके ऐसे ही लगा दिया था यार सूखा, मेरे को पता ऑयल लगा के लगाना है, मैंने ऐसे ही लगा दिया था भाई, क्योंकि काफ़ी गंदा हो रहा था, मैंने साफ सफाई कर रहा था, तो इसे भी साफ करके लगा दिया था। चलो भाई ये लग गया अंदर, बस ये पल्सर वाला आता भाई, 150 पल्सर में ऐसे फिल्टर आते हैं, वो सस्ता तो दे रखा है, कोई अच्छा सा फिल्टर देना तो चाहिए यार इसके अंदर, इतनी बढ़िया बाइक है। नहीं भाई इसके अंदर हम अपग्रेड कर सकते हैं, बीएमसी लगा, बीएमसी लगा सकते हैं ना, पर फिर वो सही है ना,
चलो ठीक है, देखते हैं। खैर फिलहाल अभी इसी से काम चलाएंगे। ये ऑयल का लेवल है, इतना ऑयल रहना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। इसमें लेवल दे रखा होता है, एक छोटी लाइन दे रखी होगी, एक बड़ी दे रखी है, वो लाइन होती है, उसके हिसाब से ऑयल डालना चाहिए। दिशान भाई ये क्या कर रहे हो? वायर ऑयलिंग। पेट्रोल से क्या है, वायर ऑयलिंग पानी वानी होगा ना केबल के अंदर, वो निकल जाएगा, अब इसके बाद ऑयल पिलाएंगे। अच्छा, तो वो रस्ट वगैरह आ जाता है तार के अंदर ना? हाँ सही है, इसकी केबल तो ऐसे भी थोड़ी महंगी आती है, तार हार्ड चलने लग जाती है, क्लच ना, क्लच हार्ड हो जाता है, इससे प्लेट भी खराब होती है, हार्ड हो जाता है। ऑयल कैन, ऑयल पिलाएंगे भाई इसको, तार को, ताकि ये स्मूथ चले और इसमें रस्ट ना आए, जंग ना लगे, क्योंकि इसमें जंग लग जाता है, फिर तार हार्ड चलती है, फिर क्लच ख़राब हो जाता है, फिर कहते हैं कि भाई क्लच फूक गया इतनी जल्दी बाइक का। तो भाई ये है सर्विस पे, हर सर्विस पे वायरों में ऑयलिंग करानी चाहिए भाई, तो ये ऑयलिंग हो रही है, क्लच की लाइफ भी ठीक रहती है, क्लच की लाइफ भी अच्छी हो जाती है भाई, नहीं तो जल्दी क्लच फूक जाएगा भाई, क्लच हार्ड होएगा तो इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए भाई जरूर। तो भाई फाइनल हो चुका है सर्विस का काम, अब फेयरिंग लगा रहे हैं, फाइनल फिटिंग चल रही है, बस हो गई सर्विस अपनी बाइक की, ये फेयरिंग होती है। और भाई दिशान भाई आप इसका बिल बताओ कितना आया, क्या खर्चा आया है आपका? ठीक है, टोटल बिल आया इसके अंदर 4570। आप इसमें क्या क्या जोड़ रखा है आपने? इंजन ऑयल हो गया आपका 2600। अच्छा, 2.2 लीटर जो आपने लिख रखा है ना, ठीक है। और ये आपका ऑयल है V300। ठीक है ठीक है। और ये ऑयल फिल्टर हो गया, अच्छा ठीक है, 1250 का। ड्रेन नट का वॉशर हो गया, ठीक है, 20। और ये कंप्लीट लेबर चार्ज, इसके अंदर चेन क्लीन, लूब, ऑयल चेंज, सारी चीज़ें सब क्लीनिंग वगैरह, फिल्टर विल्टर, चैन वैन सब ना, सारी चीज़ें। ठीक है, और ये किस चीज़ का बिल है? ये अपना ऑयल फिल्टर का कावासाकी का बिल है। अच्छा, जो कावासाकी सर्विस का काम हो गया है, और बिल है भाई मेरा ये 5470। और यही सर्विस मैं कावासाकी में जा कर के कराता, ठीक है, कावासाकी में जाके कराता, तो यही सर्विस मेरे को करीब 7.5 से 8 हज़ार रुपये पड़ती, क्योंकि वो उनकी लेबर चार्ज जो है, उनका लेबर चार्ज बहुत ज़्यादा है, उनका लेबर चार्ज 3.5 से 4 हज़ार के आसपास है। इसमें लेबर चार्ज देखो सिर्फ 1500 रुपये लेबर चार्ज है, जिसमें कि इन्होंने हमारा चैन लूप भी किया है, चैन क्लीन भी की है, ठीक है, और एयर फिल्टर वगैरह तो क्लीन होता ही है, बाकी चैन लुब्रिकेंट वगैरह आप कराते हो तो सर्विस में वो कावासाकी में सब में पेड होता है, उसमें एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं, ठीक है। और बाकी उनका मेरे को लेबर कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगा कावासाकी का, इसलिए मैंने नहीं कराया, इसलिए मैंने अपने फ्रेंड के, अपने भाई के इस पर गराज पर कराया, और बहुत ही अफोर्डेबल सर्विस है। आपको भी सर्विस करानी हो तो भाई ज़रूर विज़िट करना, द वर्कशॉप करके वर्कशॉप है हमारे भाई की, जिशान की, जिशान सैफी की, और कुछ इस तरीके से है, और बाइकों का बहुत ही अच्छी तरीके से काम होता है, बहुत ही तसल्ली से सर्विस होती है, तो प्लीज़ विज़िट करना और आपको एक अच्छा बेटर एक्सपीरियंस मिलेगा, और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में। थैंक यू भाई।